नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे घरेलू गैस के कीमतों के बारे में। देश में केंद्रीय बजट 2021 पेश कर दिया गया है। इसमें घरेलू गैस की कीमतों को लेकर कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने इस महीने के लिए गैसों की कीमतों की लिस्ट जारी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। गैस अभी भी पुराने दाम पर ही लोगों के घर तक पहुँच रहे हैं। पहले से ही एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में पिछले महीने में 2 बार बढ़ोतरी की गई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों 15 दिनों के अंदर 2 बार गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं फरवरी महीने में गैस सिलेंडरों के दाम में के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडियन गैस के दाम के बारे में। सबसे पहले बात अररिया जिले की करें तो अररिया जिले में 14.2 लीटर के जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसकी कीमत 793 रुपये रखी गई है। यह बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम की कीमत है। ऐसे ही हम बिहार के अन्य सभी जिलों के बारे में एक एक कर जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। यहाँ की भी घरेलू गैस की कीमत जो है 791 रुपये है। बांका जिले में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 792 रुपये है। बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में इसकी कीमत जो है 773 रुपये 50 पैसे है। कैमूर जिले की बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 794 रुपये है। भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत जो है 792 रुपये है। भोजपुर की बात करें तो यहाँ भी 792 रुपये 50 पैसे है। वहीं अगर हम बक्सर की बात करें तो यहाँ इसका दाम 793 रुपये 50 पैसे है। दरभंगा जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 791 रुपये है। वहीं अगर हम गया जिले की बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत 792 रुपये है। गोपालगंज की बात करें तो यहाँ 792 रुपये 50 पैसे है। जहानाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 795 रुपये 50 पैसे है। वहीं अगर हम जमुई की बात करें तो यहाँ 792 रुपये 50 पैसे है। कटिहार की बात करें तो 793 रुपये है। खगड़िया की बात करें तो यहाँ 774 रुपये 50 पैसे है। किशनगंज जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत 796 रुपये है। लखीसराय की बात करें तो यहाँ 792 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत है। वहीं मधेपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ 796 रुपये गैस सिलेंडर की कीमत है। मधुबनी जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 794 रुपये 50 पैसे है। वहीं अगर हम मुंगेर की बात करें तो यहाँ 792 रुपये इसके सिलेंडर की कीमत है। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ 791 रुपये 50 पैसे गैस सिलेंडर की कीमत है। वहीं अगर हम नालंदा जिले की बात करें तो यहाँ गैस सिलेंडर की कीमत 785 रुपये है। नवादा जिले की वहीं अगर हम बात करें तो 792 रुपये है। अब हम पश्चिम चंपारण की अगर हम बात करें तो यहाँ 794 रुपये 50 पैसे गैस सिलेंडर की कीमत है। अब हम अगर राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ 792 रुपये 50 पैसे एलपीजी सिलेंडर की कीमत है। पश्चिम चंपारण की अगर हम बात करें तो यहाँ गैस सिलेंडर की कीमत जो है 794 रुपये 50 पैसे है। पूर्णिया की बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत 794 रुपये 50 पैसे है। रोहतास की अगर हम बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 794 रुपये है। सासाराम की अगर हम बात करें तो यहाँ 796 रुपये एलपीजी सिलेंडर की कीमत है। अगर हम बात समस्तीपुर की करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 782 रुपये है। अगर हम सारण की बात करें तो यहाँ 792 रुपये है। वहीं अगर हम सिवान की बात करें तो यहाँ भी 792 रुपये ही है। वहीं अगर हम शेखपुरा की बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर की कीमत जो है 783 रुपये है। शिवहर की बात करें तो यहाँ 791 रुपये 50 पैसे है। सीतामढ़ी की बात करें तो यहाँ भी 791 रुपये 50 पैसे है। सुपौल की अगर हम बात करें तो यहाँ 796 रुपये है। वहीं अगर हम वैशाली की बात करें तो यहाँ 791 रुपये है। अरवल की बात करें तो यहाँ 790 रुपये 50 पैसे है। तो ये था बिहार के सभी जिलों की लिस्ट जो इंडियन गैस के अनुसार गैस एलपीजी सिलेंडरों की कीमत थी। बिहार में से जुड़े हुए और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।